तो गाइस क्या बाबर आजम और शहीनशाह अफरीदी के बीच में फाइट हो गई है? जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच के बाद जब पूरी पाकिस्तान की टीम ड्रेसिंग रूम में मिली थी, तभी कुछ रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि बाबर आजम सभी प्लेयर्स को बता रहे थे कि वह लोग अच्छे तरीके से नहीं खेल रहे हैं। इसके बाद शाहीन अफरीदी बोले, हम लोग को एटलीस्ट अप्रिशिएट करना चाहिए था, जो कि अच्छी बॉलिंग भी करी और साथ साथ अच्छे बैटिंग भी की। इसके बाद बाबर आजम को यह बात अच्छा नहीं लगा और वह जवाब दे दिए कि मैं जानता हूं कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद मोहम्मद रिजवान को ये फाइट रोकना पड़ा। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता रहा हूं, कुछ लोग बोल रहे हैं यह ट्रू है और कुछ लोग बोल रहे हैं यह ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।